सुनील एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है और क्लियरली बहुत परेशान है। ये समझने के लिए कि ये सब कैसे हुआ, चलिए चलते हैं सुनील के लाइफ के फ्लैशबैक में। सुनील 30 साल का है और कॉलेज से आईटी इंजीनियरिंग करने के बाद 8 सालों से अनएम्प्लॉयड है। वो आईटी में जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसे जॉब पाने के लिए जरूरी कनेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, जैसे बहुत सारे फादर्स करते हैं। उसके पिता, परिवार वाले और रिश्तेदार उसे क्रिटिसाइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एक बार सुनील एक रिश्तेदार की शादी में गया था, जहां उसकी मुलाकात सुजाता से हुई, जो एक बहुत ही सभ्य और सुंदर लेडी थी और एक आईटी एमएनसी में जॉब करती थी। उन्होंने एक दूसरे से बात की, प्यार हुआ और अपने परिवार वालों को बताने का डिसाइड किया। इस सिचुएशन में सुनील अपने परिवार को बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है और वो शादी करना चाहता है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और उसके पिता और रिश्तेदार पूछते हैं कि कौन अपनी बेटी एक अनएम्प्लॉयड आदमी को देगा। सभी परिवार वाले उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, हालांकि उसकी मां को लगता है कि शादी करने से उसे जॉब मिलने में हेल्प मिल सकती है। उसके पिता इस बात पर जोर देते हैं कि शादी से पहले लड़की के पिता को सुनील के बेरोजगार होने के बारे में बताना चाहिए। सुनील सुजाता से प्यार करता है और अब उससे शादी करना चाहता है। जब सुनील के परिवार वाले और रिश्तेदार सुजाता के घर जाते हैं तो उसके पिता क्लियरली बता देते हैं कि सुनील बेरोजगार है। हैरानी की बात है कि सुजाता के पिता शादी के लिए मान जाते हैं और अकेले में बताते हैं कि सुजाता की मां को ब्लड कैंसर है और उनका समय कम है और उनकी आखिरी विश है कि वो अपनी बेटी की शादी देख सकें। वो ये भी बताते हैं कि सुजाता तब तक घर का खर्चा उठा सकती है जब तक सुनील को जॉब नहीं मिल जाती। उनकी शादी बहुत धूमधाम से होती है। अपनी शादी की रात सुजाता अपनी विश एक्सप्रेस करती है कि वे आत्मनिर्भर बने, खासकर फाइनेंशियली। सुनील मान जाता है। अगले दिन सुजाता के पिता उन्हें एक नया फ्लैट गिफ्ट करते हैं। सुनील के पिता उसे टॉन्ट मारते हैं, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ अच्छी तरह से शुरू होती है। सुजाता ब्रेकफास्ट बनाती है और काम पर जाती है, जबकि सुनील घर का काम संभालता है। हालांकि सुजाता को कोई अननोन पर्सन उसके शादी के लुक पर कमेंट करते हुए अनोनिमस मैसेजेस भेजने लगता है, जो एक स्टॉकर का इंडिकेशन हो सकता है। जिंदगी चलती रहती है और सुजाता सुनील को अपने ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करने का सजेशन देती है। वो खुश होता है, लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान एक सीनियर एम्प्लॉई रवि, जो सुजाता का एक्स बॉयफ्रेंड था, सुनील का एप्लीकेशन फाड़ देता है और मैनेजर को बताता है कि सुनील बेकार है। जब सुजाता ये सुनती है तो वो निराश हो जाती है और सुनील को बेकार कहती है, एक ऐसा शब्द जो उसके पिता और रिश्तेदार अक्सर यूज करते थे। ये बात सुनील को तोड़ देती है और वो अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीने लगता है, जिसकी वजह से उसकी ड्रंक ड्राइविंग के लिए गिरफ्तारी हो जाती है। सुजाता सुनील को बेल पर छुड़वाती है, लेकिन इस घटना से उनका रिश्ता और भी खराब हो जाता है। सुनील को जॉब इंटरव्यूज में रिकमेंडेशंस की कमी के कारण बार बार रिजेक्ट किया जाता है। सुजाता के फ्रेंड्स एक जॉब कंसल्टेंसी का सजेशन देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा फीस मांगते हैं। मजबूर होकर सुजाता सुनील की मदद के लिए लोन लेती है, लेकिन वो पैसे और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक चोर से गंवा देता है। सुजाता को सच बताने से डरते हुए वो जॉब मिलने के बारे में झूठ बोलता है। सुनील एक दोस्त की मदद से कैब चलाना शुरू कर देता है। एक बार उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त अशोक से होती है, जो एक आईटी स्टार्टअप चलाता है। सुनील अपनी सारी प्रॉब्लम्स उससे शेयर करता है और अशोक उसकी बातें सुनता है और उसे अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। ऑफिस की प्रॉब्लम्स के बारे में सुनने के बाद सुनील कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करता है। अशोक उन्हें लागू करता है और 15 दिनों के अंदर उसका बिजनेस ग्रो करने लगता है। वो सुनील को अच्छी सैलरी के साथ अपॉइंट करता है। इसी बीच रवि ऑफिस के मेंबर्स को सुनील के कैब चलाने के बारे में बताता है, क्योंकि वो चाहता है कि सुजाता उसकी लाइफ में वापस आ जाए। ये जानने के बाद सभी ऑफिस मेंबर्स सुजाता का मजाक उड़ाने और हंसने लगते हैं। सुजाता को बहुत बुरा लगता है। उसी समय सुनील ग्राउंड फ्लोर पर सुजाता का वेट कर रहा होता है और उसे कुछ बताने के लिए बुलाता है, लेकिन उसकी बात सुने बिना सुजाता उसे सभी मेंबर्स के सामने जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे बेकार कहती है। ये देखकर सुनील बहुत दुखी होता है। वो वहां से चला जाता है। उस दिन वो बहुत देर रात घर लौटता है।
सुनील के परिवार वाले और सुजाता के परिवार वाले उसके घर पर इकट्ठा होते हैं। उसे देखकर सुजाता सबके सामने उसकी क्रिटिसाइज करती है, पूछती है कि एक कैब ड्राइवर क्या कर सकता है। पूरी कहानी सुनने के बाद सुनील के पिता उसे थप्पड़ मारते हैं और बेकार कहते हैं। सभी मेंबर्स को लगता है कि सुनील सचमुच बेकार है, सिवाय सुजाता के पिता के, जो उसकी आंखों में कुछ अलग देखते हैं। सब लोग चले जाते हैं। सुजाता बेडरूम में जाती है और बाकी सभी परिवार वाले होटल में चले जाते हैं, क्योंकि वो सुनील के घर में नहीं रहना चाहते। जाने से पहले सुजाता के पिता सुनील से सच पूछते हैं, लेकिन सुनील कुछ नहीं कहता। उसी समय अशोक सुनील के घर आता है और गेट पर सुजाता के पिता से मिलता है। अपना परिचय देने के बाद अशोक उन्हें पूरी सच्चाई बताता है। सिचुएशन को देखते हुए अशोक घर के अंदर नहीं जाना चाहता और चला जाता है। अगली सुबह सुनील घर पर नहीं होता। उसकी चिंता किए बिना सुजाता नाश्ता बनाती है और अपने पिता से मिलने होटल जाती है। सुजाता को आखिरकार सुनील के स्ट्रगल्स और तकलीफों के बारे में सच्चाई पता चल जाती है। वो सुनील से मिलती है, जिससे सुनील टूट जाता है। सुजाता के पिता बताते हैं कि सुनील ने सिर्फ उसकी मां की हालत के कारण जल्दी शादी के लिए हां कही थी। सुनील के प्यार और बलिदान को समझते हुए सुजाता उससे माफी मांग लेती है। सुजाता घर लौटती है और सुनील को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाती। वो उसे कॉल करना शुरू करती है, लेकिन वो अनरीचेबल होता है। वो अशोक के ऑफिस जाती है, जहां अशोक उससे मिलता है और उसे बताता है कि सुनील पिछले 6-7 महीनों से वहां काम कर रहा है। उस दिन वो उसके ऑफिस गया था उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए कि उसे कंपनी के जॉइंट डायरेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया है, जो जल्द ही एक MNC के साथ कोलैबोरेट करने वाली है। सुजाता द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद उसे बहुत बुरा लगा था। जब सुजाता कैब चलाने के बारे में पूछती है, तो अशोक कहता है कि सुनील का कैब कंपनी के साथ 1 साल का बॉन्ड है और उसे हर महीने प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए वो दिन में कैब चलाता है और रात की शिफ्ट में काम करता है। US और यूरोप के क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स को हैंडल करता है। वो बहुत टैलेंटेड है और जल्दी ही अपना सारा काम खत्म कर देता है। सुनील के घर पर न होने की बात सुनकर अशोक अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म करता है और वे उसे ढूंढने के लिए ऑफिस से निकल जाते हैं, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाते। बाद में वे पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच सुजाता को एहसास होता है कि सुनील कितना ईमानदार व्यक्ति है। 3 दिन बाद पुलिस को एक डेड बॉडी और एक मोबाइल फोन मिलता है। वे सुनील का नंबर देखने के बाद सुजाता को कॉल करते हैं। सुजाता खुश होती है, सोचती है कि ये फिर से कोई ड्रंक ड्राइविंग का केस होगा। वो अपने सभी दोस्तों और अशोक और परिवार वालों को इन्फॉर्म करती है। सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस उन्हें डेड बॉडी की फोटो दिखाती है और वे उसे पहचान लेते हैं कि वो सुनील है। पुलिस बताती है कि उसने सुइसाइड कर ली है। सुजाता को बहुत पछतावा होता है और वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग सुनील के शरीर के लिए सारे रिचुअल्स पूरे करते हैं। सुजाता को बहुत गिल्ट और शर्मिंदगी महसूस होती है। अगले दिन ऑफिस में उसे पता चलता है कि कैसे रवि ने सुनील के एप्लीकेशन को फाड़ा था और उसे परेशान किया था। वो अपनी जॉब छोड़ देती है और रवि के कैबिन में जाती है। उसे दोनों तरफ जोरदार थप्पड़ मारती है और गुस्से में उस पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाती है। वो पुलिस स्टेशन जाती है और रवि के खिलाफ हैरेसमेंट के लिए FIR दर्ज कराती है। अगली सुबह उसे एहसास होता है कि सुनील कितना कीमती था। सभी परिवार वाले अब ये बात समझते हैं। सुजाता को लगता है कि वो सुनील के लायक नहीं थी। अगली सुबह कॉलोनी के लोग देखते हैं कि सुजाता ने सुइसाइड कर ली है। उसके बाद हर कोई उस घर को हॉन्टेड कहता है, बिकॉज दे बोथ आर गुड कपल्स। थैंक यू।